हेलो फ्रेंड्स, अमित देशमुख क्रिएशंस के हेल्थ एंड फिटनेस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज या जिम करने की सबसे अच्छी टाइमिंग कौन सी है, वो कौन सा वक्त है जिस वक्त हम जिम कर सकते हैं, या फिर वो कौन सा वक्त है जिस वक्त जिम करके हमें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं हमें सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि हवा एकदम शुद्ध रहती है, हार्मोन लेवल्स अप रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें शाम को एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि उसके बाद हम डिनर करके रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट करने से हमारा रिकवरी प्रोसेस अच्छा हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपको वक्त मिले 24 घंटे में, जब आपको वक्त मिले आप एक्सरसाइज कीजिए, वही आपके लिए सबसे अच्छा वक्त है एक्सरसाइज करने का। ऐसा नहीं है कि सुबह एक्सरसाइज करने से ज्यादा फायदा होता है, शाम को एक्सरसाइज करने से कम फायदा होता है। सुबह एक्सरसाइज करने के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। शाम को एक्सरसाइज करने के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। आप ये देखिए कि आपको कौन सा वक्त सुटेबल लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, वो लोग सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं तो वो शाम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है कि वो सुबह जल्दी घर से निकलते हैं और रात को घर लौटने में बहुत देर हो जाती है, तो उनके लिए अगर उनमें एनर्जी बचती है तो रात घर वापस आने के बाद वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है चीज कि आपको जिम जाने की आदत लगनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास जिम जाने के लिए वक्त नहीं है, ना ही पैसा है और ना ही उतना टाइम है। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं है तो आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारे घर पे एक्सरसाइज नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी जगह है नहीं, तो आप एटलीस्ट जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, घर में जो हो या गार्डन में जो हो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक घंटा एक्सरसाइज करने की आदत डालो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 24 घंटे में एक घंटा आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास बहुत वक्त है, आप डेडिकेटेड, आपके कुछ गोल्स हैं, तो आप अपना टाइमिंग खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी और काम में बिजी हैं, आप जॉब करते हैं, आपका शेड्यूल, आप शिफ्ट में जॉब करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप टाइम नहीं दे पाते हो जिम को। आप शुरू कीजिए जिम जाना या आप शुरू कीजिए एक्सरसाइज करना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस वक्त मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए या किस वक्त मैं उसके लिए टाइम निकाल सकता हूँ। सो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना। आप 24 घंटे में किसी भी वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो उतना ही फायदेमंद होता है जितना सुबह या शाम को होता है। होप आपको पता चल गया होगा कि एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा है, वो है जब आपको वक्त मिले तब। देखते रहिए अमित देशमुख क्रिएशंस हेल्थ एंड फिटनेस। एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जो हर वीडियो में मैं देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ। मैं जो ये बातें आपको बता रहा हूँ वो आप अपने डॉक्टर से या अपने फिटनेस ट्रेनर से कंसल्ट कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।